बच्चों का फिल्म है, आमतौर से बहुत सारी बच्चों की फिल्में आजकल आ रही हैं, और ये फिल्म जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चे हीरो हैं, कोई भी बड़ी पर्सनालिटी, कोई बड़ा स्टार नहीं है, और बच्चों ने ही सब कुछ किया है। बच्चे फाइट कर रहे हैं, बच्चे एक्शन कर रहे हैं, बच्चे गाना गा रहे हैं, बच्चे कॉमेडी कर रहे हैं। ये एक फिल्म है टू लिटिल इंडियंस, ये बच्चों की कहानी है, और जो आज मैं गाना गा रही हूँ वो इस हिंदी फिल्म का एक इंग्लिश गाना है। तो एक पहली बार हो रहा है कि बच्चों की फिल्म में, हिंदी फिल्म में इंग्लिश गाना है, तो वो इंग्लिश गाना जो है वो फॉर्चुनेटली मुझे मिला है, तो वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने आई हूँ। मूवी के अंदर सब कुछ है, कॉमेडी, एक्शन, हर चीज़ जो एक फिल्म में, कॉमर्शियल फिल्म में रिक्वायर्ड होती है। मैंने हर कुछ करने की कोशिश की है, भरसक प्रयत्न किया है, हर चीज़ डालने की कोशिश की है। बच्चों ने अमेजिंग काम किया है, बच्चों ने अमेजिंग एक्टिंग की है, मतलब वो तो, और बच्चों को स्पेशली फिल्म बहुत पसंद आएगी। गाने का नाम है वी आर ऑन द वे, बट इसमें सब जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि हमारे पास यू नो पैसा है और हम आज सिर्फ शॉपिंग करने वाले हैं, या आज हमारा दिन है मस्ती करने का, मजाक करने का। तो उसमें वो बच्चे कहते हैं शॉपिंग शॉपिंग इज आवर पैशन, उनके पास पैसे हैं तो कह रहे हैं शॉपिंग हमारा पैशन है, तो आज के दिन हम बस वही करने वाले हैं। वी आर द क्रेजी किड्स ऑफ न्यू जनरेशन, शॉपिंग 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 इज आवर पैशन, सुपर स्माइल सुपर स्टाइल सुपर किड्स वी आर, नो वन कैन स्टॉप अस, वॉच। इस फिल्म का म्यूजिक एंड पर्टिकुलरली दिस सॉन्ग जो है, आज तक मेरे ख्याल से बच्चों का कंप्लीट इंग्लिश सॉन्ग नहीं है, जो कंप्लीट, कुछ इंग्लिश शब्दों का प्रयोग होना अलग बात है, लेकिन पूरा इंग्लिश लिरिक्स। तो इसमें जो इसके डायरेक्टर है रवि भाटिया जी, उन्होंने कहा कि टू गिव यू नो राइट मूड इस चीज़ को देने के लिए एंड एक्साइटमेंट को, तो उसको यूनिक बनाने के लिए हमने इसको कंप्लीट इंग्लिश में रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म में मैं एक बच्चों के नाम, पेरेंट्स के नाम एक संदेश लेके आ रहा हूँ, राष्ट्र के नाम एक संदेश लेके आ रहा हूँ। मेरी फिल्म ऐसी फिल्म है जो कोई भी खून खराबा ना होते हुए, बम विस्फोट ना होते हुए, कोई भी वॉर ना होते हुए, आर्मी से जुड़ी हुई फिल्म है, इंडियन आर्मी से जुड़ी फिल्म है। मैं बच्चों में कुछ बीज बोना चाहता हूँ देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। लिटिल चैंप्स के बाद का जो स्ट्रगल है वो चैलेंजिंग है, बट इंटरेस्टिंग भी बहुत है। और उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट्स में काम किया है आशा जी के साथ, आशा एंड फ्रेंड्स में मैंने गाया है, सोहेल खान प्रोडक्शंस की किसान फिल्म में मैंने गाया है, फिर सीरियल्स में गाया है मैंने, ऐसे करो ना विदा, छोटी बहू, तेलुगु फिल्म्स में मैंने, दो तेलुगु फिल्म्स में मैंने गाने गाए हैं। हाँ सर, बच्चे हमारे बहुत पहले से स्टैंड करते हैं, रौनक के बारे में फेमस है, वो काफ़ी कुमकुम सीरियल करता था, कहीं तो होगा उसने पूरी फायर के अंदर फुल नाइट में शॉट दिए थे, तो अभी भी वो अपना स्टंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टंट कर रहे हैं, और बखूबी। देखो कुछ चीज़ें रिस्की होती हैं, मगर प्रिकॉशन के साथ हम लोगों ने किया, और बच्चों ने बहुत दिल से किया, अच्छे से किया, और ये एक नई चीज़ होगी आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि बच्चे एक्शन लेके आ रहे हैं, बच्चे वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो बड़े हीरोज करते हैं, और ये प्रूव कर रहे हैं बच्चे कि हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। पावनी बहुत अच्छे सिंगर हैं, लिटिल चैम्प से ही उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, और अच्छा गा रही हैं, और बहुत उनका रेंज बहुत अच्छा है, एंड सबसे बड़ी बात है कि शी इज़ वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, तो मुझे लगता है कि उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है।